We'll be starting with a very, very important chapter, that is trigonometry. So for a core, or if I say for SV, it's the only maths that you have. This is extremely important. In 11, aapke paas ek hi chapter hota hai, but in 12, you'll be applying it every single day. Matlab aisa samajh lo, aapka 60% syllabus mein aap kahin na kahin trigonometry laga rahe ho. तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसका बेसिक समझो, जो आगे के बड़े बड़े सम्स है जो आप लोग एक्सरसाइज में सॉल्व करोगे वो आप 12 में भूल जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन जो शुरू की चार क्लासेस पांच क्लासेस है ना, वो अगर भूल गए तो बहुत दिक्कत है. सो वो बहुत अच्छे से करो, इसलिए मैं शुरू में बहुत स्लो जाती हूँ. जो बाद का आपका फॉर्मूलाज अप्लाई करके जो बड़े बड़े सम्स करने की बारी है, दैट यू कैन, मतलब आपको नहीं आएगा या थोड़ा दिक्कत लग रहा हो तो आप धीरे धीरे पॉलिश कर सकते हो, या बाद में जाके अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं. लेकिन आप शुरू का बेसिक्स जो है ना, उसके साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते. ठीक है, सो विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. क्या अभी तक आप लोगों ने क्लास 10 तक थोड़ा बहुत ट्रिगो देख रखा है? आप ट्रिगो कहाँ पढ़ते थे? सबसे पहले आपको बोला जाता था कि अगर ट्रिगो पढ़ना है तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ही पढ़ोगे, हाँ या ना? अब ये नोशन जरूरी नहीं, ठीक है, ऐसा जब हम लोग लगाएंगे तो अभी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, बट योर एंगल इज नाउ नॉट कंस्ट्रेंड टिल 90 डिग्री. क्योंकि पहले, क्योंकि आप ट्राइंगल में पढ़ते थे तो आपका कोई भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल फॉर इन अ ट्राइंगल, राइट? क्योंकि एक तो 90 डिग्री ऑलरेडी है ही राइट एंगल है. तो अब क्या हो रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है, और ना आप ऐसे कोई एंगल रिस्ट्रिक्शन पे पढ़ोगे कि आप 90 के ऊपर नहीं चाहिए. भले वैल्यूज जो है वो हम लोग उन्हीं वैल्यूज को यूज करने वाले हैं, कि 0 डिग्री का जो वैल्यू है, 30 डिग्री का जो वैल्यू है, 45, 60 एंड 90. तीन त्रिकोण चाहिएगा हमें, साइन, कॉस और टेन, बाकी हम सब उससे निकाल सकते हैं. रादर इवन साइन और कॉस ही चाहिए, बाकी हर त्रिकोण हम लोग इससे निकाल पाएंगे. ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट 6 डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ठीक है, साइन थीटा, बोलो, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट. तो सेक, कोसेक और कॉट वो तो रेसिप्रोकल सी है, तो हम लोग उसको इंडिपेंडेंटली स्टडी नहीं करते, उसके रेसिप्रोकल के हिसाब से ही डील कर लेंगे. वी टॉक अबाउट साइन, कॉस एंड टेन. अगेन, टेन क्या होता है? साइन बाई कॉस ही तो होता है, तो फिर टेन को भी क्यों अलग से पढ़े, खाली साइन और कॉस को ही पढ़ लेते. सो इफ यू नो एवरीथिंग अबाउट साइन एंड कॉस, आप सब कुछ डिराइव कर सकते हो बाकी चार के लिए. क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है, तो जो प्रॉपर्टी साइन का होगा उसको रेसिप्रोकेट करके अपने कोसेक में लगा देंगे, जो भी प्रॉपर्टी कॉस का होगा उसको रेसिप्रोकल करके अपने सेक में लगा देंगे. साइन और कॉस को डिवाइड करोगे तो टेन का आंसर मिल जाएगा, और टेन को रेसिप्रोकल करोगे तो कॉट को मिल जाएगा. सो आपको खाली साइन और कॉस पे कॉन्सेंट्रेट करना है, बाकी सारा ट्रिगो जो है हम लोग इनसे निकाल लेंगे. तो मैं आपको जितने भी लॉज और डिराइवेशन या एप्लीकेशन आपको समझाऊंगी शुरू में, वो सारे मैं आपको साइन और कॉस को लेके ही समझाऊंगी. उसके बाद आप बाकी को जनरलाइज कर सकते हो. ठीक है, नाउ टुडे आवर मेन एम इज टू अंडरस्टैंड योर एएसटीसी रूल एंड हाउ टू अप्लाई इट इन अ सर्टेन डोमेन. ठीक है, अब हम लोग जब एंगल का बात करते हैं, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला कि हम लोगों का एंगल जो है वो 90 डिग्री तक अब सीमित नहीं, इट कैन बी एनी एंगल, राइट? कैसे? सो हम लोग क्या करते हैं, वी टॉक अबाउट कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन, ग्राफ, ये तो सबको पता है, हाँ ना? इंटरैक्टिव होना पड़ता है, बोलना पड़ता है, चुप रहते कुछ नहीं होता है. ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसे ओरिजिनल लाइन मानते हैं, क्योंकि कोई तो बेसिस ऑफ रेफरेंस होना पड़ेगा ना आपके लिए. तो ये मेरा ओरिजिनल लाइन. अब क्या हो रहा है, ये अगर मेरा ओरिजिन है, दिस पिन, दिस स्निप इज योर ओरिजिन, ये आपका ओरिजिनल लाइन हो गया. अब जो लाइन है वो रोटेट करना स्टार्ट कर रहा है. As soon as it starts rotating, वो क्या होगा, यहाँ पे एक एंगल फॉर्म करना शुरू कर देगा, हाँ या ना? This is your original line. अगर ये आपका ओरिजिन है, it starts rotating, तो आपका ये जो लाइन है वो आपका कोई ना कोई एंगल फॉर्म करते जाएगा विद द बेसिक ओरिजिनल लाइन ऑफ रेफरेंस, हाँ या ना? तो मेरा लाइन क्या कर सकता है, मेरा लाइन इधर हो सकता है, माई लाइन कैन बी एनीवे. अब एक चीज सोचो, अगर मैं लाइन ले रही हूँ, सो दिस लेंथ इज फिक्स्ड. ऐसा तो नहीं है कि मैं अगर उसको रोटेट कर रही हूँ तो ये लाइन बड़ा छोटा हो जाएगा, नहीं, इसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, यानी इस लाइन सेगमेंट का जो लेंथ है, वो तो फिक्स हो चुका है. तो मैं जब इसे यहाँ पे फिक्स करके रोटेट कर रही हूँ, देन व्हाट विल इट डिस्क्राइब, क्या फिगर बनेगा, 360 डिग्री, मतलब सर्कल बनेगा, अग्री कर रहे हो इस बात से?
तो अगर मैं इस लाइन को रोटेट करती जाऊं बार बार, तो वो डिग्री जो है वो बढ़ते जाएगा और आपका जो सर्कल है वो डिस्क्राइब होते जाएगा. विल द रेडियस चेंज? व्हाट इज योर रेडियस? जो भी लाइन का लेंथ होगा वो आपका सर्कल का रेडियस बन जाएगा. क्लियर है ये पॉइंट? सो ये मेरा लाइन है, ये लाइन अगर घूम रहा है तो ये एक सर्कल डिस्क्राइब करेगा. इज दिस पार्ट ओके? हाँ. सो ओपी, दिस आई एम टॉकिंग एज योर रेडियस. क्लियर? अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला कि मैं खाली साइन और कॉस का पॉइंट ऑफ व्यू आपको दूंगी, बाकी सारा तो आप उसी से निकालोगे. कैन यू टेल मी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साइन थीटा? हाउ डू यू फाइंड साइन थीटा? पढ़ा है ना टेंथ? साइन थीटा कैसे ढूंढते? याद है, सुना है कभी ऐसा? पी बाय सम पीपल हैव. सो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस. हाँ, व्हाट इज योर परपेंडिकुलर? जिस भी एंगल के बारे में बात कर रहे हो उसका ऑपोजिट वाला साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं. 90 के ऑपोजिट वाला साइड को अपने हाइपोटेनस बोलते हैं. जो भी तीसरा साइड बच जाता है उसे हम बेस बोलते हैं. क्लियर? सो अब हम लोग ने पढ़ा था साइन थीटा वाज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस. परपेंडिकुलर एक लेंथ होता है, पॉजिटिव होगा. हाइपोटेनस भी एक लेंथ होता है, पॉजिटिव होगा. तो मतलब साइन का वैल्यू तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा. सेम गोज विद कॉस. कॉस थीटा क्या होता था? बेस बाय हाइपोटेनस. अगेन दे आर बोथ लेंथ, दे आर बोथ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल. हाउ कैन देयर लेंथ बी नेगेटिव? सो अगेन कॉस भी हमेशा पॉजिटिव होगा. इसका मतलब सारा जो ट्रिगर जो आप लोग अभी तक पढ़ रहे थे, कभी भी नेगेटिव वैल्यू तो आता ही नहीं था आप लोग ने जो भी लर्न कर रखा है. मतलब सारा ट्रिगर आपका पॉजिटिव ही आ रहा था. पर अब क्योंकि आपका एंगल का रेस्ट्रिक्शन हट गया, अब 90 के ऊपर जा रहे हो, ये पॉजिटिव वाला रेस्ट्रिक्शन भी अब उठ चुका है. कभी कभी आपका जो ट्रिगर्स है वो बारी बारी से नेगेटिव आंसर्स भी देते. अगर वो नेगेटिव आंसर दे रहे हैं तो इस डेफिनेशन से तो नहीं देगा. क्यों? क्योंकि हम लोग तो साइड्स का बात कर रहे हैं. साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल को मैं कैसे नेगेटिव बोल दूं? मतलब डेफिनेशन में कुछ तो मॉडिफिकेशन होगा ही होगा. ये बात क्लियर हो? सो द ओरिजिनल डेफिनेशन जिससे हम लोग ने ये पी बाई एच डिराइव किया था वो ये है. साइन थीटा इज एल्जेब्रिक डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस डिवाइडेड बाय रेडियस. मैं इसका मतलब समझा रही हूँ. और कॉस थीटा होता है आपका, यही सेम होगा, बस खाली एक्स एक्सिस से डिस्टेंस नहीं होके आपका वाई एक्सिस से होगा. इट इज द एल्जेब्रिक डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय रेडियस. मैं दूंगी टाइम आपको, अभी खाली सुनो क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्लियर? अब एक चीज देखो, अगर ये मेरा पॉइंट है पी, कोऑर्डिनेट है ए कॉमा बी, मैंने परपेंडिकुलर बनाया, ये एम. व्हाट इज द लेंथ ऑफ ओ एम? है क्या बोल रहे हो? मैंने बोला पी का कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी है, ओ एम का लेंथ क्या होगा? इतना हाई फाई जाना ही नहीं है, बेसिक बचपन. ए कॉमा बी का मतलब क्या होता है? ए कौन है? ये लेंथ को ए नहीं बोलते हैं? आप प्लॉट कैसे करते हो कोऑर्डिनेट को? व्हेन आई से दैट ही प्लॉट करो 2,3, मतलब क्या करते हो? ओरिजिन से पहले इधर 2 जाते हो, फिर ऊंचा 3 जाते हो, वो पॉइंट 2,3 होता. हाँ या ना? मैंने वही तो ए भी लिख दिया, खाली क्या गलती कर दिया, 2,3 लिख दो. अब ठीक है, तो अब ओ एम कितना होगा? 2. पी एम कितना है? 3. तो मैं अगर आपको पूछूं पी पॉइंट एक्स एक्सिस से कितना दूर है, ये आपका एक्स एक्सिस है, पी पॉइंट इससे कितना ऊंचा है, आप खोलो, 3 यूनिट. पी पॉइंट वाई एक्सिस से कितना दूर है, ये दूरी है उसका, ये दूरी किसके बराबर है? 2 के बराबर है. मतलब पी फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना दूर है? जितना भी परपेंडिकुलर का लेंथ होगा उतना दूर है. मेरा परपेंडिकुलर का लेंथ यहाँ पे कितना है? 3. पी फ्रॉम वाई एक्सिस कितना दूर है? जो भी आपका बेस का लेंथ है उतना. मेरा बेस का लेंथ क्या है? 2. ये बात समझ आया है क्या आप लोगों को? हाँ. अभी देखो मैं धीरे धीरे सब कनेक्ट करके दिखाऊंगी आपको. मैं टुकड़ा टुकड़ा में पढ़ा रही हूँ, थोड़ी देर में सब एमलगमेशन हो जाएगा. यहाँ तक समझ आया? वापस बोल रहा हूँ,
अगर किसी भी एक पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट 7.5 है, ठीक है, तो पी का डिस्टेंस वाई एक्सिस से कितना होगा, एक्स एक्सिस से कितना होगा, फाइव, क्लियर है ये? ओके, अब जो मैंने यहां बोला कि साइन थीटा का डेफिनेशन होता है एलजेब्रिक डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस बाय रेडियस, लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट। चार क्वाड्रेंट होता है, एक बात बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट हम लोग प्लॉट एक्स कॉमा वाई करते हैं तो याद होगा, अब सुन लो एकदम ब्लैंक हो, कोई लुक नहीं दे रहे हो, आप कोऑर्डिनेट प्लेन में एक्स कॉमा वाई प्लॉट करते हो, हाँ या ना? अब फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है, चार क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, हाँ या ना? फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा पॉइंट प्लॉट होगा, पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव, आपका एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होना चाहिए, आपका वाई भी पॉजिटिव। कैसे पता चला? क्योंकि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का बाउंड्री है, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स का वैल्यू पॉजिटिव होता है, यहाँ नेगेटिव, नंबर नाइन, वाई का यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव मार्किंग करते हैं और इधर नेगेटिव मार्किंग करते हैं, हाँ? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो बाउंड्री है वो किससे बना है, एक्स का पॉजिटिव साइड से और वाई का पॉजिटिव साइड से, इसलिए वो प्लस कॉमा प्लस लेता है। सेकेंड क्वाड्रेंट का जो बाउंड्री है वो किससे बना है, एक्स किससे है, एक्स नेगेटिव है और वाई क्या है, पॉजिटिव है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो प्लॉटिंग है वो किससे होगा, माइनस प्लस से होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव कॉमा नेगेटिव होगा, देखो दोनों बाउंड्री में ही नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ये मेरा पॉइंट है पी, कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई, मैंने बनाया परपेंडिकुलर, तो ये एक्स और ये वाई, हम लोग ने क्या पढ़ा था, साइन थीटा वाज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, जिसे मैंने अभी बदल के बोल दिया एल्जेब्रिक डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस डिवाइडेड बाय रेडियस। तो अब अगर उस डेफिनेशन से मैं साइन थीटा लिखती हूँ तो नीचे क्या आएगा, रेडियस आएगा। व्हाट इज रेडियस ऑफ द सर्कल, ओपी, रेडियस इज ओपी, हाँ या ना? अब रेडियस एक लेंथ होता है, क्या लेंथ नेगेटिव हो सकता है, रेडियस इज लेंथ ऑफ अ सर्कल ना, तो क्या रेडियस कभी भी किसी भी कंडीशन में नो मैटर विच क्वाड्रेंट कैन इट बी नेगेटिव, नो, दैट मींस साइन थीटा और कॉस थीटा का जो डिनोमिनेटर मैंने लिख रखा है वो जो है ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा, हाँ या ना? अब डिपेंडिंग अपॉन मेरा न्यूमरेटर का क्या साइन है वही मेरा ट्रिगो का साइन हो जाएगा। अगर मेरा न्यूमरेटर पॉजिटिव है तो मेरा ट्रिगो पॉजिटिव होगा, अगर मेरा न्यूमरेटर नेगेटिव है तो मेरा ट्रिगो भी नेगेटिव होगा। डिनोमिनेटर तो कोई दिक्कत दे ही नहीं रहा आपको, कोई प्रॉब्लम? सो लेट्स कम बैक, साइन थीटा, अगर मैं इसे थीटा ले रही हूँ, अगेन आई ड्रॉन कम टू अ राइट एंगल ट्रायंगल एट दैट, हाँ या ना? सो थीटा के ऑपोजिट वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं, वो वाई है, हाइपोटेनस रेडियस ही है, तो मैं ऐसा सच लगा वही चीज रही हूँ, बस क्योंकि मैंने ये एलजेब्रिक वर्ड डाल दिया ना उसके वजह से मुझे नेगेटिव लेना भी अलाउ। लेकिन जब आप साइन थीटा को परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस बोलते थे तो वो दोनों तो लेंथ होती थी, तो आप नेगेटिव ले पाते। अब मुझे, मैंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन जब किया, एलजेब्रिक डिस्टेंस बोला, ऐसा तो मैं अगर खाली डिस्टेंस लिखती तो भी मैं नेगेटिव नहीं ले सकती थी, क्योंकि डिस्टेंस कैसे नेगेटिव हो जाएगा, गधी थोड़ी हूं मैं। एलजेब्रिक वर्ड की वजह से आपको अलाउड है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आंसर आप ले सकते, ठीक है? सो मेरा डेफिनेशन क्या था, रेडियस मैंने नीचे लिख दिया ओपी, ठीक, ऊपर क्या लिखना है, एलजेब्रिक डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो पॉइंट पी का एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, पॉइंट पी का ये एक्स एक्सिस है कितना ऊंचा है, वो पीएम विच इज वाई, तो ये वाई बाय ओपी हो गया या पीएम बाय ओपी हो गया। वाई का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, क्योंकि मेरा न्यूमरेटर पॉजिटिव है तो मेरा साइन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसलिए यहाँ पे साइन थीटा जो है वो हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है? लेट्स गो टू कॉस थीटा, कॉस थीटा के डिनोमिनेटर में कौन आएगा, रेडियस आएगा, रेडियस कौन है, ओपी है, ठीक है, क्या वो नेगेटिव हो सकता है, नहीं ना। अब न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में मैंने क्या बोला, एलजेब्रिक डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, हाँ या ना? सो एलजेब्रिक डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, इस पॉइंट पी का वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, ओ एम, ये है ना वाई एक्सिस से डिस्टेंस,
और ये लेंथ किसके बराबर है? ओएम के बराबर है। ओएम कितना है? एक्स है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव है, उसके वजह से मेरा कॉस थीटा क्या होगा? समझ आया? सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मुझे मिला साइन पॉजिटिव, मुझे मिला कॉस पॉजिटिव। साइन पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल जो कोसेक होता है वो भी पॉजिटिव ही होगा। पॉजिटिव का रेसिप्रोकल छोटा हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा? नेगेटिव थोड़ी हो जाएगा। कॉस पॉजिटिव, उसका रेसिप्रोकल कौन होता है? सेक। सेक भी पॉजिटिव होगा, हाँ ना। टेन थीटा क्या होता है? साइन बाय कॉस। तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव क्या होगा? पॉजिटिव। कॉट इसी का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉट थीटा भी क्या होगा? पॉजिटिव। मतलब मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा ट्रिगो का वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ऑल, ऑल ट्रिगो आर पॉजिटिव। समझ आ गया? नाउ लेट्स गो टू द सेकेंड क्वाड्रेंट। मेरा लाइन रोटेट हुआ और वो सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंचा। समझ आया? सेकेंड क्वाड्रेंट में चलते हैं। तो ये मेरा एक्स एक्सिस के साथ एंगल है। वापस से पीएम बना लेते हैं। ये एक्स, ये वाई, कोई दिक्कत? वही एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट यहाँ ले लिया एक बार फिर, कोई प्रॉब्लम? लेट्स गो फॉर साइन थीटा। क्या होगा साइन थीटा? नीचे तो ओपी होगा, वो क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा। चिंता करना है उसका नहीं, भूल जाओ। ऊपर कौन होगा? वाई होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में वाई क्या होता है? पॉजिटिव। तो साइन क्या होगा? अभी हम लोग ने जो डेफिनेशन पढ़ा, वापस रिवाइज करा रहे। साइन थीटा हम लोग ने पढ़ा नीचे रेडियस, विच इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव सिंस इट इज लेफ्ट। ऊपर कौन है? एल्जेब्रिक डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस, एल्जेब्रिक डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। क्योंकि एल्जेब्रिक वर्ड बोला है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन आपका न्यूमरेटर का क्या साइन है, वही आपका ट्रिगो का साइन हो जाएगा। अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव तो मेरा ट्रिगो पॉजिटिव, मेरा न्यूमरेटर नेगेटिव तो मेरा ट्रिगो भी नेगेटिव। कॉस थीटा में नीचे रेडियस है, विच इज अगेन 100% पॉजिटिव। ऊपर क्या है? एल्जेब्रिक डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, अगेन एल्जेब्रिक वर्ड की वजह से वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो मेरा कॉस थीटा क्या होगा? डिपेंडिंग अपॉन द न्यूमरेटर। मेरा न्यूमरेटर पॉजिटिव तो कॉस पॉजिटिव, मेरा न्यूमरेटर नेगेटिव तो कॉस नेगेटिव। हाँ, सो बेसिकली हमें किसका साइन देखना है? खाली न्यूमरेटर का ही देखें, क्योंकि अभी तो हमें वैल्यू चाहिए नहीं, हम तो खाली प्लस है या माइनस है इतना ही सोच रहे हैं। हाँ, सो साइन थीटा, साइन थीटा था वाई बाई रेडियस। ऊपर वाई है, वाई क्या है सेकेंड क्वाड्रेंट में? पॉजिटिव। तो मेरा साइन थीटा क्या होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में? पॉजिटिव। कोई दिक्कत ना? कॉस थीटा क्या होगा? एक्स बाई रेडियस। एक्स का साइन क्या है सेकेंड क्वाड्रेंट में? एक्स का साइन क्या है? नेगेटिव। तो कॉस क्या होगा? कोई दिक्कत? सोच पा रहे हो? तो ठीक है, तो अब साइन अगर पॉजिटिव है उसका रेसिप्रोकल कोसेक क्या होगा? कॉस अगर नेगेटिव है उसका रेसिप्रोकल सेक नेगेटिव। टैन होता है साइन बाय कॉस, तो प्लस बाय माइनस क्या होगा? माइनस। तो टैन का रेसिप्रोकल कॉट, वो भी क्या होगा? माइनस। तो कौन पॉजिटिव आया फर्स्ट क्वाड्रेंट में? साइन और कोसेक। समझ आया? इसलिए हम लोग सेकेंड वाला जो है इसमें साइन पॉजिटिव। हम लोग कोसेक, सेक और कॉट को कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं देते, हमारे लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करता एक्चुअली। हम लोग सिर्फ साइन कॉस और टेन को ही सोचते हर चीज, ठीक है। सो व्हेन आई से एस, आई एम मीनिंग साइन, आई एम नॉट मीनिंग सेक। सेक को, सेक कोसेक और कॉट, उनको सोचना ही नहीं है, क्लियर। थर्ड क्वाड्रेंट में चलते हैं, आप लोग बोलोगे तो अच्छा लगेगा। वापस से पी कोऑर्डिनेट एक्स वाई, परपेंडिकुलर पीएम, ये एक्स और ये वाई। सो बोलते जाइए साइन थीटा क्या होगा, क्योंकि वाई बाय ओपी वाई नेगेटिव है। कॉस क्या होगा? एक्स बाय ओपी, अगेन एक्स भी नेगेटिव है मेरा, कॉस भी नेगेटिव। सब बताओ जो मैं इतनी देर से गाना गा रही हूँ उसके हिसाब से। साइन नेगेटिव इसलिए वाई, वाई आपका नेगेटिव है। एक्स कौन? वाई या एक्स? सर क्या है, लैम क्वेश्चन पूछा, ठीक है। अब साइन नेगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल कोसेक नेगेटिव, कॉस नेगेटिव है इसलिए उसका रेसिप्रोकल सेक नेगेटिव। तो टैन क्या होगा, क्योंकि माइनस बाय माइनस कट गया। कॉट क्या होगा? पॉजिटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम क्या बोलेंगे, कौन है पॉजिटिव? क्लियर। वापस चलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, पी एक्स वाई बनाया परपेंडिकुलर, ये एक्स और ये वाई, ये एंगल है मेरा। बोलते जाइए साइन क्या होगा, क्योंकि वाई नेगेटिव है। कॉस क्या होगा?
क्योंकि एक्स पॉजिटिव है। हाँ, साइन नेगेटिव तो कोसेक नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव तो सेक पॉजिटिव, टेन क्या होगा क्योंकि माइनस बाय प्लस है, कॉट क्या होगा नेगेटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? सेक तो सोचते ही नहीं। तो क्या बना आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल का ए, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का एस, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन का टी, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का सी, ASTC। समझ आया? सो दिस इज योर फेमस ASTC रूल। समझ आया कैसे हुआ? आप लोग इतने दिन से ये रूल तो जानते थे पर क्यों होता है ये शायद नहीं जानते थे, जानते थे तो बहुत बढ़िया, क्या अभी समझ आ गया आप लोगों को? सो इफ आई एम गोना कंट्रोल, मुझे वहां तो कुछ खास दिख नहीं रहा। ASTC रूल का कंक्लूजन, सो फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिगो, सेकेंड क्वाड्रेंट कौन पॉजिटिव, साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक, थर्ड में टैन और उसका रेसिप्रोकल कॉट, फोर्थ में कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक आर पॉजिटिव। समझ आए? अब जब मैं बोलती हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट, मैं बोलती हूँ सेकेंड क्वाड्रेंट, इसका मतलब क्या, क्या मतलब हुआ जब मैं बोलती हूँ सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट? सी, मैंने आपको बोला था ये मेरा ओरिजिनल लाइन है ना, सारा एंगल लाइंस का मेजरमेंट यहीं से होगा, तो ये कितना है 0 डिग्री। लाइन रोटेट करना शुरू किया, जब लाइन यहां पहुंच गया तब उसका एंगल क्या हो जाएगा? हाँ, जब लाइन वापस घूमा यहां पहुंचा उसका एंगल क्या हो जाएगा? फिर से लाइन रोटेट किया यहां पहुंचा क्या हो जाएगा? 90 90 ऐड हुए जा रहे, फिर से लाइन रोटेट करके ओरिजिनल में पहुंचा कितना हो गया? रुका नहीं, चले जा रहा बंदा, फिर से घूमना शुरू किया तो वापस घूम के यहाँ पे पहुंचा, फिर से 90 ऐड हुआ 450, फिर 90 ऐड हुआ 540 होता है, फिर 90 ऐड हुआ 630, फिर 90 ऐड हुआ 720, ऐसे रोटेट होते जाएगा। तो हर कितना डिग्री में आपका ट्रिगो बदल रहा है? 90 डिग्री में आपका क्वाड्रेंट बदल रहा है, सॉरी। हाँ, तो अब मतलब क्या हुआ, जब मैं बोलती हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका मतलब एंगल्स दैट लाइज बिटवीन इधर 0 to 90 डिग्री या फिर 360 डिग्री to 450 डिग्री, 720 डिग्री to 810 डिग्री, मतलब एंगल अगर इनके बीच में है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो उनके लिए सभी ट्रिगो का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगा, मतलब साइन 440 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट है पॉजिटिव होगा, जो भी होगा पर पॉजिटिव होगा। व्हेन आई से कॉस 400 डिग्री क्या होगा? पॉजिटिव होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। व्हेन आई से टैन 380 डिग्री क्या होगा? पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। क्लियर? जब मैं सेकंड क्वाड्रेंट बोल रही हूँ तो एंगल कहाँ से कहाँ तक होगा? 90 से 180 होगा या फिर 450 से 540 होगा। इन सभी एंगल के लिए क्या होगा? साइन और कोसेक का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगा, बाकी सारा ट्रिगो का जो आंसर है वो नेगेटिव हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट जब मैं बोल रही हूँ तो एंगल कहाँ से कहाँ तक होगा? 180 से 270 या तो 540 से 630, इन सभी के लिए टैन और कॉट का आंसर पॉजिटिव आएगा, बाकी सारा ट्रिगो का आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। सेम गोज विद फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल मतलब 270 से 360, 630 से 720 एंड सो ऑन, उन सभी के लिए कॉस और सेक का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, बाकी सभी ट्रिगो का वैल्यू जो है वो नेगेटिव आएगा। समझ आए? कोई दिक्कत? श्योर। अब हम लोग पढ़ते हैं कि ये जो पाई है विच इज योर रेडियन सिस्टम, दैट्स अनदर टॉपिक, ठीक है? पाई का वैल्यू हम लोग लेते हैं 180 डिग्री, इट्स लाइक अ कन्वर्जन। तो अगर पाई इन 180 है, हम कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एंगल ही पढ़ते हैं जिनका कायदे से हमें वैल्यू लर्न होना चाहिए, तो 90 डिग्री को क्या लिखोगे? पाई बाय 2 हो जाएगा 90। आप 60 डिग्री को क्या लिखोगे? 180 से 60 कैसे आता है? बाय 3 करके आता है, तो पाई बाय 3 हो गया। 45 कैसे आएगा? पाई बाय 4, 180 बाय 4 होता है। 30 डिग्री कैसे आएगा? पाई बाय 6। समझ आए? तो अब ये हमें याद रखना है क्योंकि हम लोग अब डिग्री में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम लोग सारा सब कुछ जो है वो पाई में पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे पाई का आदत डालना आप लोगों को, ठीक है? सो अगेन, अगर मैं क्वाड्रेंट बना रही हूँ, यहाँ तो 0 डिग्री है, फिर 90 यानी पाई बाय 2, फिर से और एक पाई बाय 2 ऐड करोगे तो 180 यानी पाई, और एक बार पाई बाय 2 ऐड करोगे तो आएगा 3 पाई बाय 2, करके देखना।
थ्री पाई बाय टू में वापस 90 यानी पाई बाय टू ऐड करो 2 पाई, फिर से पाई बाय टू ऐड करो 5 पाई बाय 2, फिर से पाई बाय टू ऐड करो सॉरी 3 पाई, फिर से पाई बाय टू ऐड होगा 7 पाई बाय 2, फिर अगर ऐड होगा 4 पाई एंड इट कीप्स ऑन गोइंग। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत? अब हम लोग बात कर रहे हैं एएसटीसी रूल हो गया। एएसटीसी रूल क्या बोला, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा ट्रिगो पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक, उनके अलावा बाकी सारा ट्रिगो अपना अपना क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। अब मैं अगर आपको पूछो, आप मुझे बताओ कि ट्रिगो में टैन कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, क्या आंसर होगा? फर्स्ट और थर्ड। साइन कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है? फर्स्ट और सेकंड। कॉस कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है? फर्स्ट और फोर्थ। क्लियर, ओके। अब हम लोग सीखेंगे वैल्यू ढूंढने के लिए, पहले हम लोग क्वाड्रेंट के बीच का सीखते हैं। तो वैल्यू ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले एक नॉलेज का जरूरत है, विच इज पार्टनर्स, कौन किसका पार्टनर होगा। साइन और कॉस एक दूसरे के पार्टनर्स हैं, टैन और कॉट एक दूसरे के पार्टनर्स हैं, सेक और कोसेक एक दूसरे के पार्टनर्स हैं। ठीक है, क्यों बोल रही हूं मैं ये देख। अब एक चीज देखा, आप लोग का क्वाड्रेंट हर कितना डिग्री में बदल रहा था, 90 डिग्री में, इसलिए मेरे लिए 90 का दर्जा बहुत ऊपर। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ की हर 90 डिग्री में रूल ही बदल गया, पूरा जज्बात भावना सब बदल रहा है हर 90 डिग्री में, इसलिए हम लोगों का 90 डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट। तो मैं जो भी एंगल मुझे मिलेगा मैं उसे 90 के टर्म्स में एक्सप्रेस करूंगी पहले तो। फिर क्या करना है, अगर मेरे पास क्वेश्चन है कि ट्रिगो 90 इंटू एनी इवन नंबर, 90 into 2, 90 into 4, 90 into 100, उसके बाद आप प्लस कोई भी एंगल लिखो या माइनस कोई भी एंगल लिखो, इट डजंट मैटर। ठीक है, मतलब क्या, सपोज मैंने लिखा साइन 90 into 10 - 30 degree, क्या ये स्ट्रक्चर का है? 90 इंटू इवन नंबर, प्लस या माइनस कुछ भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 90 इंटू इवन है तो आपका जो ट्रिगो है वो वही रहेगा, कोई बदलाव नहीं है। और आप क्या करते हो, ये 90 के साथ वाले को पूरा गायब कर दो, जो एंडिंग में एंगल है खाली उसको रखो। तो मैं नीचे क्या करूंगी, क्योंकि 90 इंटू 10 इवन है तो मेरा ट्रिगो नहीं बदलेगा, यानी साइन साइन ही रहेगा, और एंगल कितना बचेगा, 30 डिग्री बचेगा। समझ आए, हाँ या ना? तो 90 इंटू इवन होता है तो ट्रिगो बदलेगा नहीं, जो ट्रिगो है वही रहेगा। फिर आगे जो भी एंगल है उसको कॉपी पेस्ट कर दो, प्लस है या माइनस है इरेस्पेक्टिव। क्लियर, अब उसके आगे साइन प्लस लगेगा या माइनस लगेगा ये एएसटीसी रूल बताएगा। ठीक है, प्लस होगा या माइनस ये चीज आपको एएसटीसी बताएगा। हाँ, लेट्स गो टू एएसटीसी, यहाँ आ गए हम लोग। ठीक है, हर बार आप ओरिजिनल लाइन में जब पहुंचोगे वापस से सेम स्टोरी रिपीट होता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, थोड़ी आ रहा है। अब हर बार आपका ओरिजिनल लाइन कब आता है, आप मुझे बताओ 90 इंटू 1 का है ये ना, 90 इंटू 2 का है, 90 इंटू 3, 90 इंटू 4, ठीक है, 90 इंटू 5, 90 इंटू 6, 90 इंटू 7, 90 इंटू 8, एक नोटिस किया, 90 इंटू 4 ओरिजिनल लाइन पे था, 90 इंटू 8 ओरिजिनल लाइन पे, अगर आप 19 टू 12 भी करोगे वापस ओरिजिनल लाइन पे आ जाओगे। मतलब एनी नंबर 19 टू 4 मल्टीपल आपको कहां ले आएगा, ओरिजिनल लाइन पे ले आएगा। तो मैं अगर 19 टू सपोज 45 बोल रही हूँ, आपको पता है 19 टू 44 का है ओरिजिनल लाइन पे, वहां से गिनती, ऐसे थोड़ी कि मैं 1, 2, 3, 4 करके 45 तक जाऊंगी, काम धंधा नहीं है मेरे। तो आप क्या करते हो, आप डायरेक्ट 4 का नियरेस्ट मल्टीपल ढूंढा, आप वहां पे ओरिजिनल लाइन पे बैठ जाओ। तो मैं जैसे बोल रही हूँ मुझे जाना है 19 to 45, 19 to 44 यहाँ आ गया डायरेक्ट, क्योंकि ये 4 का मल्टीपल है, तो 19 to 45 कहाँ होगा, यहाँ। समझ आया? अब अगर मैं प्लस समथिंग कर रही हूँ तो मैं कौन से क्वाड्रेंट में जाऊंगी, माइनस समथिंग कर रही हूँ तो कौन से, समझ आया?
अगर मैं सपोजिंगली आपको बोल रही हूँ 90 into 102 कहाँ होगा, 90 into 102 बोल रही हूँ, सबसे पहले कहाँ जाओगे, ओरिजिनल लाइन पे कौन होगा, 102 का नियरेस्ट 4 का मल्टीपल कौन है, 100, तो 90 into 100 यहाँ होगा, ठीक है, फिर ये हो गया 90 into 101, ये हो गया 90 into 102, क्लियर। अगर मैं प्लस समथिंग करूंगी तो कौन सा क्वाड्रेंट है, मेरे मुंह पे डायग्राम है वहां देखो ना, प्लस करोगे थर्ड, माइनस करोगे सेकंड, समझ आया। अगर मैं आपको बोल रही हूँ सपोज 90 into 85, बताओ बोलिए, वाई एक्सिस, ये आपका 90 into 84 है, 4 का मल्टीपल, तो ये हो गया 90 into 85। 90 into 87 फिर कहाँ होगा, यहाँ होगा, तो अगर मैं 87 में कुछ प्लस करती हूँ कौन सा क्वाड्रेंट, माइनस करोगे तो, समझ आया। सो अब मैंने जो एग्जांपल लिया था उस पे चलते हैं। मैंने आपको क्या बोला था, 90 into 10 बोला था, तो मैं क्वाड्रेंट हिसाब से कहाँ जाऊं, या ये 90 into 8 हो जाएगा 4 का मल्टीपल, तो ये 90 into 9 है, ये 90 into 10 है, ठीक है, माइनस 30 बोला है, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये समझ आया आप लोगों को। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आप क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में कौन सा ट्रिक होता, साइन था, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका क्वेश्चन यानी साइन क्या होता, तो आगे प्लस का साइन लगेगा, समझ आया। सपोज मैंने बोला कॉस 90 into 66 प्लस 45, सोचो सबसे पहले ट्रिगो कौन होगा, ये देखो 66 है विच इज इवन, अगर इवन है तो ट्रिगो बदलेगा या नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ, cos 45, समझ आया ये बात। अब क्या देखूंगी, क्वाड्रेंट देखेंगे हम, क्वाड्रेंट के लिए क्या आएगा, ओरिजिनल लाइन पे कौन आएगा, 64 होता है, तो ये हो गया 90 into 64, फिर 90 into 65, 90 into 66 प्लस 45, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड, थर्ड में किसे देखोगे, क्वेश्चन, क्वेश्चन कौन है, कॉस, कॉस क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव, तो आगे माइनस, क्या ये बात समझ आए। अगर यहाँ पे हल्का सा ही बदलेगा ट्रिगो, 90 into odd है प्लस या माइनस, एक ही चीज का बदलाव है, ये अपने पार्टनर में बदल जाता है, ASTC रूल अभी भी सेम चीज है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला tan 90 into 33 माइनस 45, 90 into क्या है, odd है, ये odd है ना, odd है तो पार्टनर में बदलेगा, tan का पार्टनर कौन है, cot, तो यहाँ क्या आएगा, cot 45 आएगा, क्या ये बात समझ आए, कोई दिक्कत। अब प्लस होगा या माइनस कौन बताएगा, ASTC रूल बताएगा, तो पहले तो क्वाड्रेंट देखते हैं, ओरिजिनल लाइन पे कौन आएगा, आप मत बोलना, ओरिजिनल लाइन पे कितना डिग्री आएगा, मुझे चाहिए 90 into 33, 32, ये हो गया 90 into 32, 32 का नियरेस्ट 4 का मल्टीपल 32 होता है, ये हो गया 90 into 33 माइनस 45, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्वेश्चन यानी टैन को देखो, टैन क्या होता है, प्लस, क्लियर। सपोज मैंने आपको बोला साइन 90 into 75 प्लस 30, आप लोग पूरा रुक जाना, बोलना नहीं, तीनों में से बोलते जाओ, सुन रहे हो, पहले ट्रिगो बताओ कौन सा ट्रिगो, कौन की पार्ट, ऑड है, पार्टनर में बदलेगा, तो कॉस कितना, cos 30, अब बताओ ओरिजिनल लाइन पे कौन, बोलो एक दूसरे को क्या देख, डर क्यों रहे, ये 72 है 4 का मल्टीपल, फिर ये हो गया 73, 74, 75 प्लस 30, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ, फोर्थ में किसे देखोगे,
क्वेश्चन क्वेश्चन में कौन है? आप खोलिए, क्वेश्चन में कौन है? साइन है, साइन क्या होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में? तो यहाँ माइनस आएगा। धीरे धीरे जाओ शुरू में, कोई हड़बड़ी नहीं, ये समझना सबसे इंपॉर्टेंट है, आगे दौड़ेंगे। क्लियर? सपोज मैंने आपको बोला टेन 90 × 102 + 45, बोलो क्या होगा? इवन है तो टेन 45 ही रहेगा, फटाफट क्वाड्रेंट बताओ, सोचो यहाँ कौन आएगा? 100, ये हो गया 101, ये हो गया 102 प्लस 45, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में किसे देखना है? टेन को देखना है। क्या होगा टेन? सपोज मैंने बोला कॉस 90 × 47 − 30, बोलिए देवांश। कैसे सेकंड? एक मिनट रुक जाओ, अब सेकंड में कैसे पहुंचे? 47 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा साइन? एक बार अच्छे से देखो, क्यों? मैं साथ जाऊंगी एग्जाम में, समझ आया? क्लियर? एक बार रिवाइज कर लेते हैं। When I say quadrant, quadrant में एंगल्स कहां से कहां तक होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट जब मैं बोल रही हूँ तो एंगल कहां से कहां तक है? 0 से 90, 36 से 450, हर 90 डिग्री। सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 से 180 या 450 से 540, वो आप बना के भी देख सकते हो, लर्न का जरूरत नहीं। थर्ड क्वाड्रेंट इज 180 to 270, फोर्थ क्वाड्रेंट इज 270 to 360। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में साइन और कोसेक, थर्ड में टैन और कॉट, फोर्थ में कॉस और सेक। क्लियर यहाँ तक? ओके, फिर हम लोग पढ़ा आपका ये, अगर 90 × ऑड है तो क्या होगा? पार्टनर में बदलेगा, साइन का पार्टनर टेन का, कोसेक का, एंड वाइस वर्सा। 90 × इवन है तो सेम रहेगा, फिर प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हम लोग क्या देखते हैं? क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट में ओरिजिनल लाइन पे कौन आता है? फोर का मल्टीपल, तो नियरेस्ट फोर का मल्टीपल देखा, फिर काउंट किया, प्लस है तो आगे बढ़े, माइनस है तो पीछे गए। क्वाड्रेंट डिसाइड करने के बाद कौन सा ट्रिगो देखते हैं? क्वेश्चन का, बदला या नहीं बदला आई डोंट केयर, क्वेश्चन में जो ट्रिगो, जैसे लास्ट सम में कॉस है क्वेश्चन, पर बाद में साइन बदल गया, मुझे साइन से कोई लेन देन नहीं, मेरा क्वेश्चन कौन था? कॉस था, तो कॉस का साइन देखो उस क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता था इसलिए माइनस। समझ आया? हमेशा क्वाड्रेंट डिसाइड करने के बाद क्वेश्चन को देखो जाके कि मेरा क्वेश्चन का साइन क्या, वही साइन मेरा यहाँ लगेगा। इज दैट ओके? क्वेश्चन कौन है? मैं साइन को देखूंगी ना। क्लियर है? सबको समझ आया? हाँ, अब एक चीज देखो, मैंने एक चीज आपको नहीं पढ़ा, मैं आपको कब से बोल रही हूँ क्वाड्रेंट के बीच में क्या होता है। मैंने अगर आपको 540 ही दे दिया जो एक्सेस के ऊपर है, मैंने आपको 180 ही दे दिया जो एक्सेस के ऊपर है, मैंने आपको 90 दे दिया जो एक्सेस के ऊपर है, कौन सा क्वाड्रेंट माने? दिक्कत हो जाएगा? हाँ, सो वो चीज ASTC रूल से नहीं पड़ेंगे, उसके लिए अलग सा रूल बनाएंगे। पहले बताओ यहां तक समझ आए? कोई दिक्कत? श्योर? जैसे मैंने बोला व्हाट विल हैपन इफ योर एंगल्स विल लाई ऑन द एक्सिस। अब उसके लिए एकदम ही थोड़ा डिफरेंट अप्रोच हम लोग लेंगे। जब मैं ASTC रूल को निकाल रही थी तो मैं साइन और कॉस का बात कर रही थी कि पॉजिटिव नेगेटिव। जब मैं कॉस को पॉजिटिव बोल रही थी वो मैं किसके हेल्प से बोल रही थी? एक्स के हेल्प से या वाई के हेल्प से? cos was x by radius, तो अगर x positive था तो cos positive, x negative तो cos negative, तो मैं cos को निकाल रही थी x axis के help से। हाँ, same तरीके से मैं sin theta का value किससे निकाल रही थी? y की value से, कि अगर y positive है तो मेरा sin positive, y negative तो मेरा sin negative। हाँ, इसीलिए अब मैं क्या कर रही हूँ, heading है, साथ साथ लिखो, for angles that lie
ऑन द एक्सिस. हम लोग एक्स एक्सिस को बोलते हैं कॉस का एक्सिस. समझ में आया क्यों? क्योंकि ईएसटीसी रूल में हम लोग एक्स एक्सिस को यूज करके कॉस थीटा निकाल रहे थे, इसलिए एक्स एक्सिस को कॉस का एक्सिस बोल दिया और वाई एक्सिस को हम लोग बोल रहे हैं साइन का एक्सिस. दो एक्सिस होता और हम लोग ऐसे भी खाली दो ही ट्रिगो को पढ़ेंगे, मैंने शुरू में ही बोला था, बाकी सारा तो इसी से निकलेगा. ठीक है, कोई दिक्कत? ओके, सो फॉर एंगल्स यहाँ पे कौन कौन है? जीरो पाई बाय टू, पाई, थ्री पाई बाय टू, फिर टू पाई, ये है फाइव पाई बाय टू, ये है थ्री पाई, ये है सेवन पाई बाय टू, ये है फोर पाई एंड सो ऑन. पाई में पढ़ेंगे हम लोग. ठीक है, एक मिनट सुन लो सब लोग. अगर कोई भी ट्रिगो, दो ही ट्रिगो है कॉस और साइन, कोई भी ट्रिगो किसी दूसरे के एक्सेस में जाता है तो वो जीरो हो जाता है. मतलब साइन का एक्सेस में कौन कौन सा एंगल दिख रहा है आपको? पाई बाय टू, थ्री पाई बाय टू, फाइव पाई बाय टू, सेवन पाई बाय टू, नाइन पाई बाय टू, इलेवन पाई बाय टू एंड सो ऑन. ये सारे एंगल्स कहाँ फॉर्म हो रहे हैं? साइन का एक्सेस पे फॉर्म हो रहे हैं. इन सभी एंगल के लिए अगर कॉस आता है, कॉस अपना एक्सिस छोड़ के दूसरा का एक्सिस में आया ना, इन सभी एंगल के लिए कॉस का वैल्यू जीरो. अगर कोई भी ट्रिगो किसी दूसरे के एक्सिस में जाता है तो वो जीरो हो जाता है. तो कॉस अगर साइन के एक्सिस पे आता है, मतलब वो एंगल जो आप साइन का एक्सिस में बना रहे हो, उन सभी एंगल का वैल्यू कॉस के लिए जीरो हो जाएगा. समझ आए? उल्टा अगर साइन कॉस का एक्सिस पे आता है, कॉस के एक्सिस में कौन कौन से एंगल बन रहे? जीरो पाई, टू पाई, थ्री पाई, फोर पाई, फाइव पाई, इन सभी एंगल पे साइन जब आएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो. जीरो दूसरा के लिए आया ना, एंगल कहाँ बन रहा है? कॉस का एक्सिस पे. मैं किसका वैल्यू चाह रही हूँ? साइन का, दूसरे का ना, तो वो जीरो हो जाएगा. अगर मैं बोल रही हूँ इलेवन पाई बाई टू, कौन सी पे होगा? साइन का एक्सिस पे होगा. हाँ ना, देखो वन पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, फाइव पाई बाई टू, सेवन पाई बाई टू, नाइन पाई बाई टू, इलेवन पाई बाई टू. साइन का एक्सेस पे इलेवन पाई बाई टू, तो इलेवन पाई बाई टू पे कॉस का वैल्यू क्या होगा? जीरो. मैं अगर इलेवन पाई बोल रही हूँ, अब देखो सारा पाई जो है वो कौन सा एक्सेस पे? कॉस का एक्सेस पे. तो इलेवन पाई पे साइन का वैल्यू क्या होगा? जीरो. समझ आया? सो कोई भी ट्रिगो अगर दूसरा का एक्सेस पे जाता है तो वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो. क्लियर यहाँ पर? कॉस थ्री पाई बाई टू तो जहां है वही रहेगा. थ्री पाई बाई टू कहाँ है? वाई, साइन का एक्सेस पे. उस पर कॉस अगर आता ट्रिगो आएगा, एंगल नहीं जाएगा. थ्री पाई बाई टू जहां है वही रहेगा. कहाँ है थ्री पाई बाई टू? साइन का एक्सेस पे. अब मैं अगर उस पर साइन की जगह कॉस का वैल्यू आपसे पूछती हूँ तो वो जीरो हो जाएगा. अब फोर पाई, फोर पाई कहाँ है? कॉस का एक्सेस पे. उसके लिए मैं कॉस को छोड़ के अगर आपको साइन का वैल्यू पूछू तो वो जीरो हो जाएगा. क्लियर है? ध्रुव, ओके. अब उल्टा, कोई अगर अपने ही एक्सिस पे तो लेगा वैल्यू वन. पॉजिटिव साइड है तो प्लस वन, नेगेटिव साइड है तो माइनस वन. कॉस के लिए पॉजिटिव साइड कौन सा है? ये, और ये साइड है नेगेटिव. तो कॉस अगर अपनी एक्सिस के एंगल्स को लेता है जो पॉजिटिव साइड में, पॉजिटिव साइड में कौन कौन सा एंगल है? जीरो, टू पाई, फोर पाई, इन सभी पे कॉस का वैल्यू क्या होगा? प्लस वन. वो सारे एंगल जो नेगेटिव साइड में बन रहे हैं, कौन कौन से एंगल बन रहे हैं? पाई, थ्री पाई, फाइव पाई, उन सभी के लिए कॉस का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस वन हो जाएगा. क्लियर? सेम चीज साइन के लिए होगा. साइन का वैल्यू पॉजिटिव कहाँ होता है? ऊपर या नीचे? यहाँ पॉजिटिव है और नीचे नेगेटिव है. तो साइन अगर अपनी एक्सिस में रहता है पॉजिटिव साइड में, कौन सा एंगल है पॉजिटिव साइड में? पाई बाई टू, फाइव पाई बाई टू, उन सभी पे साइन का वैल्यू क्या होगा? प्लस वन. और नीचे साइन थ्री पाई बाई टू, साइन सेवन पाई बाई टू, वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस वन. क्लियर? कोई ट्रिगो अपनी एक्सिस पे रहता है पॉजिटिव साइड प्लस वन, नेगेटिव साइड माइनस वन. कोई ट्रिगो दूसरे के एक्सिस में जाता है तो जीरो हो जाएगा. क्लियर? अपनी एक्सिस में रहेगा पॉजिटिव साइड प्लस वन, नेगेटिव साइड माइनस वन. कोई भी ट्रिगो दूसरे के एक्सिस में अगर जाएगा तो क्या हो जाएगा?
जीरो हो जाएगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट सबको? अब आप एक चीज अच्छे से देखो, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे जितने भी एंगल्स है वो कैसे दिख रहे हैं? जीरो पाए, टू पाए, थ्री पाए, फोर पाए, फाइव पाए, सिक्स पाए, सारा पाए। वाई एक्सिस पे जो एंगल है, वाई एक्सिस पे जो एंगल है वो कैसे दिख रहे हैं? वन पाए बाय टू, थ्री पाए बाय टू, फाइव पाए बाय टू, सेवन पाए बाय टू, नाइन पाए बाय टू, इलेवन पाए बाय टू, सारा ऑड पाए बाय टू। हाँ या ना? कॉस कब जीरो होता है? जब साइन पे आता है। साइन पे कौन कौन सा एंगल बन रहा है? और इनटू एनी ऑड नंबर, देखो सारे ऑड ही है ना, तो मतलब सारे ऑड पाई बाय टू पे कॉस का वैल्यू क्या होता है? जीरो। साइन कब जीरो होगा? कॉस पे, कॉस पे एक्सिस, एंगल कॉस एक्सिस पे एंगल कैसे दिखते हैं? ऑल पाई, ऑल पाई, वन पाई, टू पाई, थ्री पाई, यानी ऑल पाई पे साइन का वैल्यू क्या होगा? जीरो होगा। क्लियर? सो ये बना लिए, बनाओ। एक्सक्यूज मी मैम, बोलिए। मैम आज 7 PM को तो क्लास नहीं होगा? नहीं। ओके। बना लियो। लिखो, व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिखेंगे। अगर कोई ट्रिगो दूसरे की एक्सेस में होगा तब वैल्यू इज जीरो। एग्जाम्पल बोलो ना इसका। I'm signed by. साइन जीरो, साइन पाई, साइन टू पाई, ये सारे एंगल कहाँ पे हैं? एक्स एक्सिस पे, यानी कॉस का एक्सिस पे है। पर मैं ट्रिगो किसके बारे में पूछ रही हूँ? साइन क्या पूछ रही हूँ, तो वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। कॉस के लिए क्या लिखूं? टू पाई। क्यों? टू पाई तो उसके खुद की एक्सिस पे बन रहा है। कॉस का वो एंगल जो साइन पे बन रहा है, cos pi by 2, cos 3 pi by 2, cos 5 pi by 2, इन सभी के लिए वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। क्लियर है ना? अगर कोई ट्रिगो अपनी एक्सिस में तब पॉजिटिव साइन वैल्यू प्लस वन, नेगेटिव साइन वैल्यू माइनस वन। एग्जाम्पल बोलो। साइन पाई बाय टू, साइन फाइव पाई बाय टू, दोनों क्या होगा? प्लस वन होगा, ऊपर है तो नीचे कौन है? साइन थ्री पाई बाय टू, साइन सेवन पाई बाय टू, उनके लिए वैल्यू? कॉस के लिए बोलो। कॉस जीरो, कॉस टू पाई, दोनों पॉजिटिव साइड है, प्लस वन। कॉस पाई, कॉस थ्री पाई, दोनों नेगेटिव साइड है तो माइनस। अब एक क्लास आप लोग आगे जाके एक जनरल सॉल्यूशन बोल के भी कुछ पढ़ोगे, पर उसके लिए पहले इफ कॉस एक्स इज जीरो, इसका मतलब कॉस जीरो कहाँ होगा? साइन का एक्सिस में। यहाँ पे कॉस जीरो होता है पूरा साइन का एक्सिस में, उस एक्सिस में एंगल कैसे दिख रहे हैं?
साइन का एक्सिस में जो एंगल्स है वो कैसे है? 1π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, मतलब तो x कैसा होगा? ऑड π/2 होगा, आया ना कोई दिक्कत? ऑड मतलब कैसा लिख सकते हो? था ना 10 में एवरी इवन नंबर इज ऑफ द फॉर्म 2n एंड एवरी ऑड नंबर इज ऑफ द फॉर्म नेक्स्ट नॉला, इवन का नेक्स्ट नंबर ऑड होता है तो 2n+1, तो x क्या हो जाएगा? 2n+1 विच इज ऑड, क्योंकि ट्वाइस एन इवन होता है उसका नेक्स्ट नंबर ऑड होगा, इनटू पाई बाय 2। एन कैन बी एनी इंटीजर, कुछ भी ले लो जो मन में, एनी ऑड नंबर इनटू पाई बाय 2 दैट कॉस विल बी जीरो। अगर मैं बोलती हूँ साइन इज जीरो, इसका मतलब साइन जीरो कहाँ होता है? कॉस एक्सिस पे, कॉस का एक्सिस पे एंगल कैसा दिखता है? ऑल पाई, तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे? ऑल पाई, हाँ या ना? ऑल पाई मतलब एन पाई, एन कुछ भी ले लो जो अच्छा लगे, कोई दिक्कत नहीं, समझ आया? एक बार पूरा जिस्ट, सबसे पहले एएसटीसी रूल पढ़ा। एएसटीसी रूल क्या बोलता है? पहला क्वाड्रेंट में जो 0 से 90 के बीच है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें क्या होता है? ऑल ट्रिगोज आर पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट जो 90 से लेके 180 तक होता है उसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट जो 180 से 270 होता है उसमें टैन और कॉट पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट जो 270 से 360 होता है उसमें कॉस और सेक पॉजिटिव। ठीक है यहां तक? अब हम लोगों का इसमें अगर कोई भी एंगल एक्सिस के ऊपर है तब क्या होता है? हम लोग एक्स एक्सिस को नाम दे दिया कॉस का एक्सिस, वाई एक्सिस को नाम दे दिया साइन का एक्सिस। ठीक है, कोई भी ट्रिगो दूसरा का एक्सिस पे जाता है तब जीरो, खुद का एक्सिस पे रहता है तो पॉजिटिव साइड +1, नेगेटिव साइड -1। ठीक है, ट्रिगो में 90 इनटू इवन है तो क्या होता है? चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। 90 इनटू ऑड है तो पार्टनर में बदल जाएगा। साइन का पार्टनर कौन है? कॉस का पार्टनर साइन ही होता है। सुनो सुनो, ऐसे लाइन से थोड़ी पूछते हो मुझसे। टैन का पार्टनर कॉट, सेक का पार्टनर कोसेक। तो अगर ऑड है तो वो पार्टनर में बदल जाएगा। ओरिजिनल लाइन पे, ओरिजिन पूरा वो रेफरेंस लाइन पे कौन से एंगल्स आते हैं? सारा 4 का मल्टीपल, और फिर हम लोग बाकी एंगल्स को उसके साथ डिराइव कर सकते हैं। समझ में आया आप लोगों को? क्या बता सकते हो कॉस 5π क्या होगा? फाइव पाई कहाँ होगा? 0π, 2π, 3π, 4π, 5π, इधर है। -1, साइन 5π क्या होगा? ठीक है, 13π/2, यहाँ 1π/2 है, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऊपर आएगा, तो साइन 13π/2 पॉजिटिव +1, कॉस 13π/2 जीरो, क्योंकि साइन का एक्सिस पे। क्लियर है सबको? श्योर, विल वाइंड अप फॉर द बेस्ट।